بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ناظرين. जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हम ऐसे एक अजूबे जगह पे खड़े हैं। आप लोग समझ रहे होंगे कि मिस्र के आसन पर रहने की जगह खड़े हैं। हालांकि ऐसा नहीं है, ये आप कैमरे की आंख से आप देख सकते हैं। ये वादी पर बल्तिस्तान की एक वादी में से खूबसूरत वादी में से एक वादी है जिसका नाम चंदा है। और जैसे हमारे कैमरामैन आपको कैमरे की आंख से दिखा सकते हैं कि ये सारा वादी जो चंदा के नाम से मशहूर है, अभी तो मौसम सरमा है, इसलिए आपको इस मौसम गर्मा की जैसी नज़ारे तो नहीं मिलेगा, मगर आप फिर भी हर मौसम की अपनी खूबसूरती होती है, और उसको खूबसूरती के हिसाब से अगर आप देखें तो आप इसके नज़ारे देख सकते हैं किस तरह बहर वकू है। और दूसरे तारीख के हवाले से भी आप लोगों को बता दे जाएंगे। नस्ब से है दूसरा, यहाँ की ज़मीनें किस तरह की है, और दरख्त कौन कौन से दरख्त यहाँ लगे हुए हैं, और कैसे ये बाकी है, किस तरह का मुख्तलिफ पहाड़ के दरमियान आप जैसे कि देख सकते हैं। और यहाँ के पहाड़ भी है तो इतने बड़े देखेंगे तो आगे आपको लेके जाएंगे उधर, वहाँ बुलंद वाले पहाड़े हैं और ग्लेशियर भी है। और आज कल अभी तो इधर भी बर्फबारी पड़ी हुई, तो ऊपर जाहिर है बहुत ज़्यादा पड़े हुए होंगे। तो हमारे साथ शमशाद भाई है, विजिट के लिए आया हुआ है, तो हम उनका तासरात जानना चाहेंगे कि आप अभी तक आपका क्या ख्याल है यहाँ इस वादी के हवाले से, और क्या कुछ आप के लिए कुछ मुश्किल भी जाहिर है पेश आ रहे होंगे, तो आप थोड़ा वजाहत कीजिएगा। आने में काफ़ी दुश्वारी हुई क्योंकि रास्ता भी कच्चा है, ठीक है, और हमारे लिए बाइक पर यहाँ पर ठीक। और अभी क्योंकि हम बाहर निकले हैं इसको सैर करने के लिए, तो देख के ही बहुत मतलब बहुत खूबसूरत नज़ारे हैं यहाँ पर, और बर्फबारी हुई है और यहाँ पर हर तरफ जैसा कि मैंने आपको बता दिया था कि यहाँ का जो टेम्परेचर है वो बहुत लो है, और -17-18 में आज का टेम्परेचर है, इस हवाले से कोई मुश्किल तो नहीं है आपको? नहीं, तो अभी यहाँ पे सर्दियों की नस्बत यहाँ पे ठंडी है, यहाँ पे हवाएं नहीं चलती, ठीक, और सर्दियों में हर वक्त हवाएं चलती हैं, ठीक, और यहाँ पर मौसम अच्छा है और यहाँ पर धूप भी जल्दी लगती है। चले फिर हम अगले जगह का विजिट करते हैं। देखें नाज़रीन, अगर आप बर्फ पे चलना चाहते हैं तो ऐसे चलेंगे। बैठे तो चुना के दाएं तरफ के पहाड़ आप देख सकते हैं, दाएं तरफ नीचे आप किनारे से दिखा सकते हैं कि वादी तंदल वाकई है, बेशक उसको हम अभी यही पाए जाते हैं इधर, और बाकी ऊपर दो ग्लेशियर आपको नजर आ रहे हैं। ये चंदा की काश्तकारी में और आबाशी में बड़ा इनका अहम किरदार है, ये देखिए हैसियत रखता है, अगर ये दोनों काम ना करें तो आबाशी में बड़ा मसला मसाइल पैदा हो जाता है। और इसके अलावा आप नीचे यूं अब एक पट्टी से नजर आ रहे हैं नहर जैसी, जी, वो उस तरफ से ऊपर से यूं बिल्कुल लाइन है, उसके नीचे जो चीज आ रहे हैं अभी तो बर्फ से लदे हुए, ये ग्रास फील्ड है,
अच्छा बहुत बड़ा ग्लास फील्ड है और हमारी भेड़ बकरियों की गजा और भेड़ बकरियों के चारे का बड़ा इस पर डिपेंड करता है इस फील्ड पे। ठीक और अगर ये ना हो तो सामने करना पड़ता है। मैं चरागा मैं नहीं, ये चरागा नहीं है, ये ग्रास फील्ड है। अच्छा। इसको हम स्टोर करके ग्रास बड़े होने तक कोई भेड़ बकरी नहीं छोड़ते। अच्छा बड़े हो जाते हैं तो हम सब आकर जाहिर लोगों की इसमें है जमीन है ठीक उसमें घास बड़े हो जाते हैं। बाकी चरागा यहाँ से हट के ऊपर जितना भी है ये सब चरागा। अच्छा फिर इस इसी घास को फिर आप स्टोर करते हैं, इसी घास को स्टोर करते हैं ताकि वो इस मौसम में तब तक के लिए ग्रीन हाउस इफेक्ट यहाँ पहुंच गए जी खरफशों के टॉप पे। टॉप तो नहीं हमारा एक दिन ये कुछ भी नहीं हुआ बचे। किसी जमाने में ये पूरा इलाका पानी से भरा हुआ होता था। इधर बल्तिस्तान यूनिवर्सिटी बन रही है इसके पीछे, वहां पे हम आपको टॉप से दिखाते हैं। अभी हम थोड़ा नीचे चले ऊपर चलते। वो एक बंदा घूर के देख रहा है हमें, मैं ज़ूम करता हूँ। ये खरफशों